हेलो एवरीवन वेलकम ऑनलाइन स्टडी आईक्यू जी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैयद वंश एवं लोधी वंश से संबंधित टॉप 19 प्रश्न दोस्तों हम टॉपिक वाइज लूसेंट बुक हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो दोस्तों जो सैयद वंश है इसका संस्थापक कौन था खिज्र खा कौन था दोस्तों खिज्र खा ये सैयद वंश का संस्थापक था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खा किसका सेनापति था तो दोस्तों जो खिज्र खा है ये लंग का सेनापति था किसका सेनापति था दोस्तों खिज्र खा लंग का सेनापति था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खाँ की मृत्यु कब हुई थी तो दोस्तों खिज्र खाँ की जो मृत्यु है ये हुई थी 1421 सौ ईस्वी में कब हुई थी दोस्तों 1421 सौ ईस्वी में हुई थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था तो दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था अलाउद्दीन आलम शाह कौन था दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश का अंतिम शासक था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो दोस्तों जो बहलोल लोधी है कौन है दोस्तों बहलोल लोधी ये लोधी वंश का संस्थापक था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है तो दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है ये जाता है बहलोल लोदी को किसको दोस्तों बहलोल लोदी को जाता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है निज़ाम खा सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर कब बैठा था तो दोस्तों जो निज़ाम खा ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के शासन पर कब बैठा था दोस्तों ये बैठा था कब दोस्तों चौदह ईस्वी में कब दोस्तों चौदह ईस्वी में तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर शाह ने किस शहर की स्थापना की थी तो दोस्तों सिकंदर शाह ने कब दोस्तों पंद्रह चार ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी किसकी स्थापना की थी दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा की जो स्थापना है ये कब की थी तो दोस्तों आगरा की स्थापना किसने की थी सिकंदर शाह ने की थी और कब की थी दोस्तों 1504 सौ ईस्वी में कब की थी दोस्तों 1504 सौ ईस्वी में की थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था तो दोस्तों जो सिकंदर लोदी है ये गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने अपनी नई राजधानी किसे बनाई थी तो दोस्तों सिकंदर ने अपनी जो नई राजधानी है ये आगरा को बनाई थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है गले की बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी तो दोस्तों गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी इसकी मृत्यु हुई थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी तो दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी 1517 सौ ईस्वी में कब दोस्तों 1517 सौ ईस्वी में हुई थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी कब आगरा के सियासन पर बैठा था तो दोस्तों जो इब्राहिम लोदी है ये 1517 सौ ईस्वी में कब दोस्तों पंद्रह ईस्वी में आगरा के सियासन पर बैठा था तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था 1526 ईसवी ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था 1526 सौ ईस्वी में कब हुआ था दोस्तों 1526 सौ ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध का निर्णय किया रहा था तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने किस प्रथा को समाप्त किया था तो दोस्तों अलाउद्दीन ने जो इकता प्रथा है कौन सी दोस्तों इकता प्रथा इसको समाप्त किया था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता प्रथा की जो दोबारा शुरुआत है किसने की थी तो दोस्तों इकता प्रथा है इसकी दोबारा शुरुआत की थी किसने फिरोज तुगलक ने किसने की थी दोस्तों फिरोज तुगलक ने? ने की थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था आपके पास चार ऑप्शन हैं चार ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत